हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुष्पेंद्र कुमार बीना फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा। स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ साउंडनेस टेस्ट। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द वेरियस मेथड, डिफरेंट मेथड ऑफ साउंडनेस टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मेथड ऑफ साउंडनेस इज बाय ली चैटेलियर मेथड। ओके स्टूडेंट्स, दिस मेथड इज यूज फॉर चेक द साउंडनेस ऑफ सीमेन। ओके, इन दिस मेथड दिस गिव्स साउंडनेस ओनली फॉर फ्री लाइन। ये जो मेथड है ली चैटेलियर मेथड, ये ली चैटेलियर एपरेटस से जो साउंडनेस चेक करते हैं, ये क्या देता है? सिर्फ और सिर्फ फ्री लाइन की वजह से जो है साउंडनेस सीमेंट में वो देता है। ओके, क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी कितना ऐड करते हैं इसमें? तो इसमें पानी जो है अपन ऐड करते हैं 0.78 टाइम्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। वी कैन से 0.78 इंटू पी, वेयर पी इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट डायमेंशन ऑफ ली चैटेलियर एपरेटस, ये एपरेटस है जिससे अपन साउंडनेस चेक करते हैं, तो इसकी डायमेंशन एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो कोई डायग्राम है, ये पीतल या ब्रास का बना होता है, ठीक है, ब्रास मॉल्ड होता है, और ये मैंने यहाँ पे प्लान बनाया है, ठीक है। एलिवेशन यदि बनाते हैं तो ग्लास सीट इसमें ऊपर, मतलब ये ओपन होता है पूरा, ऐसे सिलेंडर शेप में होता है, दोनों तरफ से खुला होता है। तो इसका जो थिकनेस है इसकी वो कितनी होती है स्टूडेंट्स? इसकी थिकनेस होती है 0.5 mm। ये जो एपरेटस है इसकी थिकनेस कितनी होती है? 0.5 mm। एपरेटस है इसका डायर कितना होता है? 30 mm। इनमें जो स्पेस होता है यहाँ पे, ये थोड़ा खुला होता है, ठीक है, मतलब पूरा गोल नहीं होता है, यहाँ पे कट होता है इसमें। तो ये जो कट है ये कितना नहीं होना चाहिए? 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंडिकेटर, मतलब दो सूचक लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, और यहाँ से इसके सेंटर से और इंडिकेटर के लास्ट तक की जो लंबाई अपन कह सकते हैं इसको, वो कितनी है? 165 mm। ओके, इसमें से यदि इसको हटा देते हैं, मतलब ये सिलेंडर सी पे इसको हटा देते हैं, तो इसकी ये बच जाती है कितनी? 150, क्योंकि 15 mm तो इसकी वो रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस हटा दी यहाँ तक, ये बच जाएगी 150 mm। ये हो गया इसका स्टूडेंट डायग्राम। इसका कोड की यदि हम बात करें तो इसका डिटेल इसमें मिलता है IS 5514, ठीक है। किसका है ये? ली चैटेलियर मेथड। क्या चेक करते हैं इससे? साउंडनेस। अब इसके ये जो अपना एपरेटस है, दोनों तरफ से खुला होता है, मतलब एक होल टाइप में होता है सिलेंडर शेप में, दोनों तरफ से इसका ये जो है खुला होता है। तो इसको ग्लास की प्लेट से कवर करते हैं, तो ग्लास प्लेट जो लेते हैं इसमें उनका साइज क्या होता है? तो इसको कवर करने के लिए जो ग्लास प्लेट अपन यूज करते हैं उनका साइज क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, अपन ऑब्वियसली बात है इसको कवर करना है, तो 30 mm तो इसका व्यास ही है, तो 30 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो उसको कवर कर पाएंगे। कम होगा तो वो कवर हो ही नहीं पाएगा, उसी में ये दस जाएगी। तो ग्लास प्लेट का जो साइज होता है स्टूडेंट्स, वो ग्लास प्लेट का साइज होता है इसमें 35x35 mm, साइज ऑफ ग्लास प्लेट 35x35 mm, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंच गया, इसको ज़्यादा नहीं करेंगे अपन, ये साउंडनेस टेस्ट पढ़ेंगे, बाकी का शायद PDF जैसे हो पाएगा तो PDF, बाकी जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सब लैब का काम है, ठीक है। चलो, टेम्परेचर वही है। अब इसको क्या करते हैं अपन? बॉईल करते हैं, पानी में बॉईल करते हैं 25 से 30 मिनट पे, जो है बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है ना, उस पर 25 से 30 मिनट रखते हैं, और इसको उबालते कितने घंटे तक है? 3 घंटे तक। तो यहाँ पे लिख लो टाइम ऑफ बॉइलिंग ऑफ सैंपल, टाइम ऑफ बॉइलिंग ऑफ सैंपल, सैंपल को बॉइल करने का जो टाइम है वो कितना है? 3 घंटे। बॉइलिंग पॉइंट पे तो कितने हैं? 25 से 30 मिनट तक करते हैं, बाकी जो टेम्परेचर होता है उस पर 3 घंटे तक क्या करते हैं? इसको बॉइल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट लगा के,
क्योंकि इसके इससे मिलता जुलता ही नाम है, वो नाम क्या है, ली चेटेलियर फ्लास्क। फ्लास्क और एंड डेंसिटी बोटल, ली चेटेलियर फ्लास्क एंड डेंसिटी बोटल इज यूज टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करते हैं लीचेटेलियर फ्लास्क और डेंसिटी बोटल से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। यहाँ पे नाम जो है इनका मिलता जुलता है तो वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना। फ्लास्क यदि आ जाता है तो उस सिचुएशन में अपन इसको क्या मानेंगे, ये डेंसिटी ऑफ सीमेंट, और एपरेटस आता है तो अपना साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे जो वैल्यू आती है वो भी टेबल अपन बनाएंगे दोनों की। वैसे इसका जो एक्सपेंशन होता है, मतलब जैसे इसको बॉयल करेंगे तो अपन ने जो इंडिकेटर थे ना इसके, वो दोनों क्या होंगे, एक्सपेंड करेंगे, फैलेंगे। तो इनका जो साइज है या फिर जितनी ये रीडिंग देते हैं वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 10 mm से ज़्यादा है तो सीमेंट को अपन यूज में नहीं लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगला टेस्ट अपन पढ़ लेते हैं, ऑटोक्लेव। ठीक है, ऑटोक्लेव टेस्ट में क्या होता है, ये हो गया, इसको रफ कर रहा हूँ, टेबल बनाएंगे दोनों के रिजल्ट की, ऑटोक्लेव और फीचर क्लेव रेपरेटस। ऑटोक्लेव की मैं बात करूँ, ऑटोक्लेव टेस्ट की, तो ये भी फाइंड ने वो साउंडनेस फाइंड आउट होती है इस टेस्ट से भी, लेकिन इस टेस्ट से जो फाइंडनेस फाइंड आउट होती है वो किसकी होती है, लाइम और मैग्नीशिया बोथ। तो यूज किस लिए उपयोग करते हैं इनका, यूज टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करते हैं इससे, वही साउंडनेस, साउंडनेस मेजर करने का जो दूसरा मेथड है। अब किस किस की वजह से आती है, फॉर लाइम एंड मैग्नीशियम बोथ, लाइम और मैग्नीशियम दोनों की वजह से साउंडनेस आती है, उस टेस्ट से अपन मेजर करते हैं। ठीक है, इफ मैग्नीशियम इन सीमेंट इज मोर देन 3%, यदि सीमेंट में जो मैग्नीशिया की जो क्वांटिटी है वो 3% से ज्यादा होती है, व्हेन दिस टेस्ट इज परफॉर्म, व्हेन दिस टेस्ट इज परफॉर्म, उस सिचुएशन में इस टेस्ट को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ओके, क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर कितना ऐड करते हैं इसमें, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, जो अपना कंसिस्टेंसी में मेजर किया था वही वाटर का परसेंटेज इसमें अपन ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर 27 प्लस माइनस 2 डिग्री, ह्यूमिडिटी 90। ओके, अब ऑटोक्लेव माउंट की डायमेंशन की बात करें हम, डायमेंशन ऑफ ऑटोक्लेव मोल्ड, ऑटोक्लेव मोल्ड के डायमेंशन की बात करें, इसकी जो डायमेंशन होती है स्टूडेंट्स 25 mm 282 mm, ये क्या है, ये इसकी स्टूडेंट्स क्या है, डायमेंशन किसकी, ऑटोक्लेव मोल्ड। ठीक है,
अब इस मॉड्यूल की इंटरनल लेंथ की बात करें, इंटरनल लेंथ की बात करें तो इंटरनल लेंथ होती है 282 mm। क्या इसकी इंटरनल लेंथ इसकी मॉल्ड की इंटरनल लेंथ ऑफ मॉल्ड, ठीक है, ये मॉल्ड की क्या हो गई इंटरनल लेंथ हो गई। स्पेसिमेन की बात करें, स्पेसिमेन की लेंथ, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन 250 mm, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन की लेंथ कितनी होती है यहाँ पे 250 mm। ये कौन सा टेस्ट हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया ऑटोक्लेव, ठीक है। ऑटोक्लेव यूनिट कंसिस्ट ऑफ ए टेम्परेचर ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना लेते हैं स्टूडेंट्स, कितना टेम्परेचर होता है इसमें 215 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या होता है इसका टेम्परेचर, जो कि ये अपन टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं। प्रेशर कितना अप्लाई होता है, प्रेशर किससे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 2.1 मेगा पास्कल, ठीक है। प्रेशर के बाद बात करें, द माउल्ड इन ऑटोक्लेव असेंबली, द माउल्ड इन द माउल्ड इन ऑटोक्लेव असेंबली इज कैट फॉर 3 hours एंड दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर जो असेंबली है ऑटोक्लेव मोल्ड की, इसको 3 घंटे तक रखा जाता है इसी प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। शुड बी अचीव विद इन temperature should be achieved within 60 to 75 minutes, okay। Result यहाँ पे प्रेशर मैंने 2.1 MPa लिखा है, तो इसकी रेंज आप लिख सकते हो कि रेंज कितनी होती है, यहाँ पे रेंज में लिख देता हूँ, रेंज 0 to 4.1 MPa क्या होती है प्रेशर की रेंज होती है, ठीक है। रिजल्ट की बात करें तो फॉर ओपीसी नॉट ग्रेटर देन 0.8%, ओपीसी के लिए इसका मान कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 0.8%, या फिर इसको कह सकते हैं हम और 2 mm, 0.8% और 2 mm। नेक्स्ट दिख रहा है क्या आपको, लेंथ कॉम्पैक्टर इज यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ, लेंथ मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, पर लेंथ कॉम्पैक्टर, ओके।
अब ऑटोक्लेव का जो टेस्ट है वो अपन को कोड में कहां पे मिलेगा, इसका आप लिखना चाहो तो लिख लो IS10086, ये कोड है इसका ऑटोक्लेव का। देखो सबका अलग अलग है ना, सीमेंट के लगभग जो है टेस्ट 40-31 में होते हैं, मिल जाते हैं, बाकी अलग अलग है तो अलग अलग के लिए जैसे जिनका कोड स्पेसिफाई है वो मैं आपको साथ ही साथ लिखवा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक फॉर वॉचिंग। दोनों में कंपेरिजन लिखना है वो अपन अगली क्लास में लिख लेंगे, साउंडनेस टेस्ट से किस सीमेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए और इससे जो है किस सीमेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।